हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉल वीडियो। ये है 2024 की फर्स्ट एवर विंटर हॉल वीडियो। इसमें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कुछ स्वेटर और पुलोवर्स अंडर ₹500। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज ये वाली जो स्वेटर्स है ना, इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारी है ना, एकदम ऐसे प्रिंसेस वाइब देने वाली सी स्वेटर्स है। तो प्लीज स्किप मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, बिकॉज बहुत ज्यादा क्यूट सी और अच्छी सी प्यारी सी स्वेटर्स होने वाली है। और हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि अंडर ₹500 है, तो मतलब सोने पे सुहागा वाली डील होगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे ना। आज मैं आप सबको फटाफट से सारी स्वेटर्स दिखाऊंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो प्राइस है वो मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगी, अगर कुछ याद हुआ तो वो मैं आपको बता भी दूंगी, बाकी स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माई फेवरेट स्वेटर, नीटेड पुलओवर जो आजकल चल रहे हैं ना, वो मैंने ऑर्डर करा है फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये वाली जो स्वेटर है ना, इसको देख के मुझसे ऐसे ना रहा ही नहीं गया। इसका पहले तो कलर कॉम्बिनेशन देखिए आप लोग, ये जो पिंक और स्काई ब्लू है ना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे ना ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसे गर्लिश वाइब वाला भी चाहिए, कि मुझे ऐसे ना क्यूट सा बनना है, कोई अच्छी सी स्वेटर चाहिए। वैसे तो हम लोग ऐसे ना न्यूट्रल टोन्स में ज्यादा जाते हैं, जब भी विंटर्स आती है ना, ब्लैक ब्राउन ऐसा सा कुछ ज्यादा पहनते हैं, बट मुझे इस बार ऐसा था कि मुझे ना कुछ कलरफुल ही ट्राई करना है, तो मैंने ये वाली ऑर्डर करी थी। दिस इज फ्रॉम ब्रांड टोक्यो टॉकीज। पता है इस ब्रांड की चीजें ना इतनी ज्यादा अफोर्डेबल होती है, और पता है स्पेशली फॉर विंटर्स इतनी ज्यादा वार्म होती है ना, मतलब चाहे आप स्वेट शर्ट ले लो, हुडीज ले लो, या फिर ये जो पुलओवर है, ये भी बहुत ही ज्यादा वार्म है। इसको ना मैंने ओवरसाइज लुक देने के लिए मीडियम साइज में ऑर्डर करा है, बट ये ना यार बड़ी ही परफेक्ट है, लेंथ वाइज भी एकदम परफेक्ट है, वार्म भी है। और इसका आप ऐसे क्लोजर लुक देखो ना, तो ऐसे नीटेड वाली जो हमारी मम्मियां बुनती थी ना, वैसा सा ही मतलब ऐसे लुक है इसका। और हाई नेक है तो ऑब्वियसली बात है पहनी हुई अच्छी लगती है। प्लस पॉइंट ये है कि आप इसके ऊपर कुछ और स्टाइल भी कर सकते हो, लाइक आप अपना कोट भी पहन सकते हो। तो ये इतना एकदम मोटे वाला फैब्रिक नहीं है, पतले वाला जो फैब्रिक होता है ना, जो पतली वाली होती है विंटर्स की स्वेटर्स पुलओवर्स, वैसा सा है, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा वार्म है। सो हाईली हाईली रिकमेंड। इसको मैंने स्टाइल करा अपनी जींस के साथ में, ब्लू डेनिम के साथ में। आप इसको सूट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, जो मेरी सूट पहनने वाली ऑडियंस है, आप भी ऑर्डर कर सकते हो। प्लस अगर आपको सूट पे इसको ऑर्डर करना है ना, तो प्लीज एक साइज नीचे ऑर्डर करना, लाइक आपका जो एक्चुअल साइज है ना, उससे एक साइज नीचे का ऑर्डर करना। मुझे ओवर साइज के साथ में जाना था, तो मैंने अपना एक्चुअल साइज ऑर्डर करा और वो एकदम मुझे परफेक्टली फिट हुआ है। तो यस, हाईली हाईली रिकमेंड दिस वन। मैं तो ऐसे कहूंगी जल्दी से मंगवा ही लो, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। पता नहीं अभी भी कितने साइज इसके हैं। और हाँ, साथ ही साथ इसमें एक पता है कलर भी अवेलेबल है, वो शायद पर्पल और येलो स्टोन है, वैसा सा कुछ कलर है। दोनों ही कलर बड़े ही प्यारे हैं, आपका जो मन करे वो कलर आप ऑर्डर कर सकते हो। और सेकंड मैंने ऑर्डर करी है ये पिंक कलर की स्वेट शर्ट, जिसको शायद आपने मेरी लास्ट एक वीडियो में पहने देखा होगा मुझे। दिस इज अगेन फ्रॉम ब्रांड टोक्यो टॉकीज। और पता है ये इतनी ज्यादा वॉर्म है, एज यू कैन सी इसका जो अंदर का फैब्रिक आप देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा वॉर्म है। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी, तो मैं कहीं पहन के गई थी, ये अकेली ही पहन के गई थी, और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मुझे ठंडी लग रही है क्या, इतनी ज्यादा वॉर्म है। प्लस ये पता है बहुत ज्यादा ओवर साइज है। अगर आपका जो भी एक्चुअल साइज है ना, आपको ओवर साइज पहनना है, तो आप अपने एक्चुअल साइज पे जाना, बट अगर आपको ओकेश पहनना है, तो शायद आपको यार एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज सो ओवर साइज। ये देख रहे हो आप इतनी ज्यादा, मतलब मुझे तो ओवर साइज पहना था ऑब्वियसली, तो मैंने साइज बड़ा ही ऑर्डर करा है। तो एकदम स्वेट शर्ट्स वाला सा ही लुक है इसका, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बट यस, पीछे इसके पता है ऐसे कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है, ट्राइंग न्यू पाथ्स। जैसे कि 2024 स्टार्ट हो गया, हम सबको अपने अपने नए जो रास्ते चुनने हैं, तो वैसा सा कुछ है। तो मुझे बड़ा इंस्पायर किया इसने, साथ में कलर बड़ा क्यूट है यार। साथ ही साथ ये पता आगे भी वही सेम पीछे वाला कोट आगे लिखा हुआ है। मैंने इसको ऑर्डर किया है साइज मीडियम में, मैं ज्यादातर मीडियम साइज ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज वो ना तो एकदम फिटेड वाला लुक देती है, ना एकदम ओवर साइज वाला। ओके, मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसे वाला लुक आ जाता है। और इतने हाथ पता नहीं कौन हिला हिला के बातें करता है, बट बड़ी ही क्यूट सी प्यारी सी। पिंक कलर भी पता है एकदम अच्छे वाला पिंक कलर है, ऐसे नहीं है कि एकदम ऐसे आंखों को चुभने वाला पिंक कलर जो होता है ना, वो वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको करें अपनी ब्लू डेनिम के साथ में, अपने शूज के साथ में। तो आप भी जो आपका जैसे मन करे वैसे आप स्टाइल कर सकते हो, बाकी ये ब्लू डेनिम के साथ ही ज्यादा अच्छी लगेगी, चाहे लाइट हो चाहे डार्क हो, जो भी डेनिम हो अच्छी लगती है यार पहनी हुई।
नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर करी थी ना वो थी एक ब्लैक कलर की स्वेटशर्ट। मेरे पास ना ब्लैक कलर में ऐसी स्वेटशर्ट नहीं थी, साथ ही साथ हुडी भी नहीं है। हुडी भी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, बट ये वाली मैंने सोचा कि यार पहले मैं एक स्वेटशर्ट ऑर्डर कर लेती हूँ। एकदम सिंपल प्लेन बेसिक जो होती है ना ब्लैक कलर, वो है। कहीं भी कुछ भी इस पे प्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये ऐसा था कि मुझे और मेरे ब्रदर दोनों को ही स्टाइल करनी थी, तो मैंने अपना थोड़ा सा फायदा देखने के चक्कर में ऐसी बिना किसी कोट वाली बिना कोई प्रिंट वाली ऑर्डर करी है। बिकॉज ऐसे होता है ना कि हमें जो अंदर हमारी कॉलर होती है या फिर जो शर्ट की कॉलर होती है उसको बाहर निकाल के कई बार ऐसा भी कुछ स्टाइल करना होता है, तो उस वे में मैंने ये ऑर्डर करी है। ये है फ्रॉम ब्रांड हाईलैंडर, जो कि शायद बॉयज सेक्शन से है, और साइज है इसका मीडियम। मीडियम साइज हम दोनों को अच्छे से फिट हो जाता है, उसको भी सही से आ जाता है। तो फिर ये मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर करी है, और सेम पिंक वाली स्वेटर के जैसे बहुत ही ज्यादा वॉर्म है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक यही पहन लो ना तो भी हमारे यहाँ पे जितनी ठंडी पड़ती है ना उससे आपका बचाव हो जाता है। लाइक यहाँ पे जितनी दिल्ली में ठंड होती है ना सेम वही वाला टेम्परेचर है हमारे यहाँ पे, तो फिर एकदम परफेक्ट है यार। इसके साथ आपको कुछ और ओवर कोट ऐसे कुछ पहनने का वो नहीं रहता है। तो ये तीनों ही बड़ी ही प्यारी सी क्यूट सी स्वेटर्स है। इसमें से मेरी फेवरेट तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाली दो है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इस बार पिंक कुछ ज्यादा ही नहीं ऑर्डर कर दिया मैंने, बट मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे अपनी वॉर्डरोब को कलरफुल बनाना है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे कलरफुल चीजें ऑर्डर करी है। आप सबको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, आप कौन सी ऑर्डर करी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ आपको आगे कौन सी हॉल वीडियोस देखनी है वो भी मुझे कमेंट में मतलब जरूर बताना यार, कि आपको आगे कौन सी वीडियोस देखनी है, आप कौन से हॉल वीडियोस देखना पसंद करोगे। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी जो हॉल वीडियोस है या फिर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।